मर्यादा के धनी भगवान श्री राम, आपने मुझे कहा कि गुरुदेव भगवान श्री राम के लिए आपके दो शब्द कहो। मैं क्या कहूंगा आप लोगों के लिए मेरे दो शब्द? मेरी ये जीवा भगवान श्री राम का वर्णन भला कैसे कर पाएगी? जिस देश में मैं रहता हूं, जिस देश में मैंने जन्म लिया, जिस देश में मेरी श्वास चलती, जिस देश का अनाज मैं खाता हूं, और जहां पर मुझे दफन हो जाना है, जल करके नष्ट हो जाना है, वहां के भगवान श्री राम का वर्णन करने के लिए आप मुझे कहते हो? मैं कौन होता हूं उनका वर्णन करने वाला? अरे हजारों बार आपने रामचरितमानस पढ़ लिया, हजारों बार भगवान श्री राम की गाथा पढ़ लिया आपने, लेकिन कुछ हुआ? कोई फर्क पड़ा? पढ़ते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं अपने घर। वो भगवान श्री राम पड़े हैं वहां पर अयोध्या के मंदिर में, टूटे फूटे उस छोटे से झोपड़े में। लज्जा आनी चाहिए हिंदुओं को, डूब मरना चाहिए नेताओं को। राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया, ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है? हिंदुओं को लज्जा नहीं आती? कैसा न्यायालय है ये? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने वाला भी मूर्ख है। कैसा ये सुप्रीम कोर्ट? अंधों की नगरी है ये। भगवान बैठे हैं वह चबूतरे पर तंबू में, और आप लोग अलीशान महलों में एयर कंडीशनर में बैठ करके भगवान श्रीराम का नारा लगाते हो, और उसके मुद्दे पर अपनी रोटियां सेकते हो। लज्जा आना चाहिए, डूब मरना चाहिए आप लोगों को। मुझे कहते हो भगवान श्री राम के लिए महाराज जी आपके दो शब्द कहो। मैं कौन होता हूं आपको शब्द का बखान करने वाला? जो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा ही है स्वयं, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने मेरे शब्द का उच्चारण करूं? क्योंकि वो सुनने के बाद आप बाहर जैसे ही जाओगे भूल जाओगे। आप जैसे मूर्खों के लिए मेरे शब्द नहीं है। यदि आप लोगों को मेरे शब्द सुनना है तो जाइए पहले अयोध्या के उस मंदिर से, उस भगवान को मुक्त कराइए, वहां पर उस मस्जिद को तोड़ दो, क्योंकि वहां पर बाबर पैदा नहीं हुआ था। जहां जल में थे भगवान श्री राम, वहां पर बनना चाहिए भगवान श्री राम का मंदिर। जहां पैदा हुआ था बाबर, मस्जिद बना लो। अब बाबर तो पैदा नहीं हुआ था ना हिंदुस्तान में, जिसने नृशंस हत्याएं की हिंदुस्तान की, जिसने हिंदुस्तान की नारियों की, हमारे बच्चों की, हमारे पूर्वजों की नृशंस हत्याएं की, उसे सर चढ़ा लिया। कैसा है हिंदुस्तान है? भगवान श्री राम का वर्णन सुनना चाहते हैं मुझसे? और मैं तो आपको, आपके जन्म खत्म हो जाएगा, आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, तब तक भी मैं आप लोगों को मेरे द्वारा भगवान श्री राम का वर्णन सुनाता रहूंगा। समाप्त हो जाएगी आपकी जीवन लीला, लेकिन मेरा द्वारा बखान किया हुआ भगवान श्री राम का चरित्र समाप्त नहीं होगा। इतना विशाल विराट समुद्र है वो, सागर है वो, और आप सुनना चाहते हो भगवान श्री राम की लीला मेरे मुख से? यदि वास्तविकता में आपको भगवान श्री राम के प्रति लगन है, आस्था है, विश्वास है, और सच्चे हिंदू हो यदि आप, तो क्रांति की मशाल थामो, उठो और जाओ, लड़ो, आ जाओ सड़कों पर। क्या आपका रक्त मर गया है? क्या आपकी आत्मा शंड हो गई है? क्या आप नपुंसक हो, कायर हो? धर्म का जहां विषय आता है, वहां पर आपका रक्त उछाल पर होना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पर चिल्ला चिल्ला करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैंने भी बहुत प्रयास किया लेकिन आवाज दबाई गई। यदि आप हजार लोग मेरा समर्थन करते हो, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ आ जाओ, अकेला ही शेर काफी होता है। मुझे पता है मेरे इस वक्तव्य पर कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे इस वक्तव्य को सुनने के बाद कुछ मेरे ही अपने मेरे खिलाफ आंदोलित हो जाएगी, आंदोलन कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें साहस है, जिसमें दम है, मुझे प्रत्यक्ष आकर के मिले। पीछे तो एक शेर होता है ना, यदि आपको उसको बंदी बनाना है, मारना है, तो 200-500 कुत्तों की फौज छोड़ दो उसके पीछे, परेशान हो दो, लेकिन फिर भी सिंह सिंह ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिंह हूँ, क्योंकि सिंह तो जानवर ही, आखिर मैं मनुष्य हूँ। तो मैं मुद्दे पर आकर कितने बात समाप्त करूँगा आपके साथ बात करते हुए। तो भगवान श्री राम के नारा दोबारा नहीं करेंगे आप मेरे सामने, भगवान श्री राम के जय जयकार आप दोबारा नहीं करोगे मेरे सामने, क्योंकि भगवान श्री राम के जय जयकार करने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो भगवान श्री राम को वहां से मुक्त कराना चाहता है, जिसके हृदय में भगवान परमात्मा निवास करता है, जिसके भगवान में श्री राम है, वो जाएगा और एक क्रांति घटित करेगा। एक एक ईंट से महल खड़े होते हैं। आप ये ना सोचो कि आप अकेले क्या कर लोगे। उठो, संग्राम की तैयारियां करो, लड़ो, डरो मत किसी से, ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। हिंदू साधुओं की साथ प्रताड़ना करने वाले इस सरकार को, वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
वर्तमान सरकार भी शंडही जैसी दिखाई दे रही है, कुछ नहीं करती है। चलो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, बस अब इतना ही समझ लीजिए, भगवान श्री राम की जय जयकार करने से पहले आप अपने गृहपान में झांक लीजिए कि क्या भगवान श्री राम की जय जयकार करने से पहले आप उस लायक हो या नहीं हो।